गुड मॉर्निंग फूड फैम एंड वेलकम टू माई वर्ल्ड ऑफ सिंपल ईटिंग। सो आज है 19th of July 2021 और अभी बज रहे 6:10। सो वी आर ऑलमोस्ट एन आवर लेट टू लीव फॉर आर झारखंड ट्रिप। सो लेट सी हाउ द जर्नी बिगिंस और कैसे जाता है, बिकॉज आई हैव नो आइडिया अबाउट लॉकडाउन अवेबिलिटी एनीथिंग व्हाट्स गोना हैपन। वी हैव जस्ट गॉट आउट, अभी देखते हैं कि कैसे क्या होने वाला है। सो चलो लेट्स स्टार्ट एंड वी ऑल्सो हैव सब नींद में डूबा हुआ है एंड वी हैव हेलो एज यूजुअल Zuzu। सो शैल वी गो, लेट्स गो स्टार्ट द जर्नी। नहीं वो दुकान मतलब वो बोलना, अरे कोई वो नहीं ना हो गया, कोई नया ब्रिज फ्रिज नहीं ना बना दिया ये वाला, ये भी नहीं मालूम। नहीं शक्तिगढ़ वो होएगा, सिटी में घुसा देगा सिटी। सो अभी फॉर आवर फर्स्ट हॉल्ट वी हैव कम डाउन टू दिस प्लेस कॉल्ड बालाजी फूड पार्क। देखते हैं इधर क्या मिलेगा खाने को। सो यहाँ पर फर्स्ट थिंग विच वी हैव गॉट इज पूरी सब्जी। नाउ दिस प्लेस व्हेन इट कम्स टू शक्तिगढ़ देर आर लॉट ऑफ प्लेसेज यू विल फाइंड। यहाँ पर आपको लैंचा, तो यहाँ पर भर भर के लैंचा का आपको स्टॉल्स शॉप्स मिलेगा, अलग साइज में मिलेगा, अलग अलग साइज लैंचा। शक्तिगढ़ आना तो ऑब्वियसली शक्तिगढ़ इज फेमस फॉर लैंचा, सो डेफिनेटली, बट वी आर नॉट ईटिंग लैंचा राइट नाउ। बालाजी फूड पार्क इज वन सच प्लेस विच इज क्वेंट गुड, लॉट ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल एंड खाने का अच्छा अच्छा ऑप्शन है एंड इट्स अ प्योर वेजिटेरियन प्लेस। सो अभी हम लोग सबसे पहले खाएंगे पूरी सब्जी। तो यहाँ पर एक प्लेट पूरी सब्जी में देयर इज 4 pieces ऑफ पूरी एंड आलू का सब्जी नॉर्मल, मिर्ची हमने मांगा है। लेट्स जस्ट ईट, आप देख सकते हो पूरी काफ़ी खस्ती है, लिटिल ऑयल फ्री, बिकॉज अभी यहाँ से वी विल टेक मोर 4 hours टू रीच धनबाद। सो बेटर कि हम लोग यहाँ पर अच्छे से पेट भर ले अपना। वो हमारे बंगाली घर में जो दाल बनती है ना, मिश्री झाल दाल जो लूची के साथ, वैसा टेस्ट कर रहा है। इट्स डिलीशियस यार, वेरी नाइस, स्पाइसी स्वीट नाइस क्रीमी बिकॉज ऑफ द पोटैटो। हर ट्रिप की यही खासियत है द हॉल्ट एंड ईटिंग द फर्स्ट थिंग ईटिंग चाय एंड पूरी सब्जी। सो अभी नेक्स्ट थिंग विच आई हैव ऑर्डर्ड इज दिस चीज वेज चीज सैंडविच। तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रिल करके दिया है, देखते हैं इसके अंदर क्या है। There's good veggies, यार अच्छा stuffing है यार। There's corn, there's red capsicum, yeah, red bell pepper, green capsicum, cucumber, tomato, a lot of stuff and mayonnaise and chili flakes भी दिख रहा है, looks tempting. And we have got green chutney and some wafers, chips and यहाँ पर we have got my favorite ketchup. So now let's just dig in with the ketchup, थोड़ा बहुत ketchup and थोड़ा सा green chutney. Wow, quite flavorful. The mayonnaise is very chatpata, like it's spicy, good one. You know the crunch of veggies are also very good. And dhaniya patte ki chutney ke sath bahut hi zyada acha lag raha hai. So ye aa gaya dosa. Isko thoda sa hum logon ne wait karaya, to thoda soggy ho gaya. I wanted to eat it garma garam. But theek hai, sab chal gaya. सेपरेट मसाला में पाउडर क्या फ्राई करके दिया, हाँ अलग से थोड़ा सा, ये जो भुंजा भुंजा टेक्सचर दिख रहा है इसको अलग से फ्राई किया। इसका आलू है ना, आलू चोखा की तरह लग रहा है। अभी इस टाइम पर इधर चाउमीन नहीं है, बट आप कभी आओ तो यहाँ का चाउमीन था ना, यू लाइक इट, इट्स वेरी डिफरेंट। द आलू में ना नॉर्मल सिर्फ नमक लग रहा है, इट्स वेरी सिंपल, वेरी नॉर्मल, लाइक नॉट दैट वेरी एपेटाइजिंग डोसा, लाइक वाओ फैक्टर नहीं है, बट इट्स गुड, इट्स एवरेज। Zuzu यू ईट। शेयरिंग इज केयरिंग।
सांबर अच्छा है, डोसा और आल मसाले से सांबर ज़्यादा अच्छा है। हाँ आलू जो है ना उसमें नमक कम है या कुछ कमी है, सांबर में भी थोड़ा नमक कम है। वो एक चटनी होती है ना लाल कलर की चटनी, और लाल चटनी और समथिंग, वो होने से मजा आता है। तो इसमें रहेगा ये क्या है, वो सेम है कि कैफे लाते हैं, फ्रैपेचिनो ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दे हैव वैरायटीज ऑफ बेवरेजेस एज वेल, यू कैन ऑप्ट फ्रॉम जुजू, टेक एनीथिंग नो बट टेक कोला फ्लोर, हाँ टेक एंड टेक दैट येलो फैंटा। ₹600 उसका भी जोड़ दिया, फिर पहले वाला फिर बोलता 1700 रुपया, 1700 फिर तुम हिसाब कर लिया ठीक से। हम लोग का खाना हो चुका है एंड ऑल्सो वी हैव गॉट फ्यू आइटम्स, आई हैव गॉट फ्यू चिप्स एंड कुछ ड्रिंक्स गाड़ी में पियेंगे। दैट प्लेस वॉज गॉट रियली क्योटिक एंड वहाँ पर दे ऑल्सो सर्व दिस एग्जॉटिक चॉकलेट्स, इट्स नॉट एग्जॉटिक, वॉट इज इट कॉल्ड, इंटरनेशनल प्रीमियम चॉकलेट्स, प्रीमियम सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड ऑल। सो वी हैव गॉट दिस कोको कोला वनीला कोको कोला विच लुक्स गुड एंड वहाँ पर हमें ये मिला स्टारबक्स का ये ड्रिंक विच इज मोका एंड दिस इज फॉर 390 रुपीज एंड ऑल्सो वी गॉट इधर दिस इज 120 और 130, मतलब दोनों में एक 100, ये मेरे हिसाब से 120 का, ये 120 130 लेमन फैंटा, लेमन फैंटा विच इज फॉर 130 और 120, मतलब 100 रुपीज के ऊपर ही है। सो मैं क्या पीऊँ, पहले मैं ये पीती हूँ क्योंकि वो तो हम लोग बाद में ही पी सकते, बिकॉज दिस आर सोडा तो बाद में पी सकते, ये अगर ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। व्हाट वी नॉर्मल कॉल कोला फ्लोर, ओके दिस इज व्हाट वी कॉल एज कोला फ्लोर, दिस इज कोला फ्लोर। तो हम लोग ये स्टारबक्स का मोका पी रहे हैं यहाँ पर, खून पी लीजिए। अच्छा इसको जब मैंने खोला तो ये स्टारबक्स का लोगो जो है वो ऊपर पॉप अप हो गया, तो उसको मतलब क्या है, मतलब एयर था उसमें, रूफ है वो। सो दिस इज द ड्रिंक, अब मैं कैसे दिखा वो ड्रिंक, क्या अच्छा लगा? देखो अच्छा लगा, कॉफी आई लव भाई, नेस्कैफे इससे अच्छा है, इट्स लाइक कॉफी, मेरे को मुका अच्छा, फॉर इन आवर आइज बट 390 रुपीस इज सो एक्सपेंसिव, नो इससे अच्छा नेस्कैफे है सच में, फैक्ट है, दार्जिलिंग बांकुरा दुर्गापुर इसमें से कोई भी नहीं जा रहे हम। नाउ वी आर ऑन वे टू धनबाद, सो हम लोग झारखंड घुस चुके हैं एंड लुक्स घुसते ही द फर्स्ट इम्प्रेशन इज सो नीट एंड क्लीन, इट्स सो गुड एंड सो ग्रीनरी ब्यूटिफुल, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। सो पहले हम लोग थोड़ा माइथन डैम देख लेंगे, विल एक्सप्लोर विल सी, बिकॉज वर्ल्ड बोला इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट biggest, very famous, yeah biggest only and very famous picnic spot, okay very famous, people come from Calcutta to do picnic out here, Maithan Dam mein, ha okay, sabse pehle is toll ko cross karte hain, Maithan Dam ghoomte hain, first toll jo hum log cross kar rahe hain, toll aa gaya message welcome to Bihar and Jharkhand, yay finally we are in Jharkhand। ये दोनों बीच में सो गया था, ये देखो इसको एकदम गुड्डू भैया लग रहे हो, गुड्डू ये क्या बिट्टू वाला है, अपने इधर अपना चश्मा जो करेंगे यहाँ स्टाइल है, स्टाइल। और ये प्राची सोली, नींद ले ली, नींद ले ली पुन्नी, सुन नहीं लो तो पुन्नी बोल लो, व्हाट इज दिस पुन्नी, नींद ले ली पुन्नी, वो मेरा बियर है, ए ही इज नॉट माय डॉगी, गरम हो गया। सो दिस साइड इज चरकुंडा, अच्छा विच साइड, लेफ्ट दिस साइड, ओके हाँ, सो आप देख सकते हैं स्ट्रेट हम जाएंगे तो धनबाद, राइट लेंगे तो वाराणसी और लेफ्ट लेंगे तो चिरकुंडा, वाराणसी भी स्ट्रेट है, ओके okay.
ये हम लोग अभी वहाँ जा रहे हैं ना डैम निर्शा बाजार भैंस आई लव भैंस कमरिये मटके रे टिंक चिका बाबू जरा हटके रे शोला जैसे तड़े पे रे हट जाओ साइड दे दो थोड़ा सा प्लीज हेलो बाबा मार मुड़ देगी आ इनका बॉडी में से जो खुशबू आ रही है ना गोबर के एंड ऑल माय गुडनेस सो क्लोज वो बहुत अच्छा लग रहा मेरे को वो खुशबू गोबर का खुशबू आलू चाट उसमें घुगनी भी रहेगा क्या खुशबू बहुत अच्छी है सौंफ की खुशबू आ रही है हाँ वेरी चटपटा मसाला स्पाइसी खट्टा सौंफ का टेस्ट आ रहा है एंड द फुचकास आर वेरी 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 क्रिस्पी वेरी क्रिस्पी लाइट इन फ्लेवरफुल पानी है सूदिंग लग रहा है ना ये जगह ग्रीनरी येलो ग्रीन घर वाओ सीरियसली दिस इज सो गुड यहीं से कूद के जाके घर जल्दी जा बड़ा है यार काफी बड़ा है बिल्डिंग से डाउन में है कॉर्पोरेशन यू डोंट नो हां बड़ा हुआ है हम लोग जाएंगे तो पास हिस्ट्री में पढ़ा है शायद सिविक्स में पढ़ा है ज्योग्राफी में हिस्ट्री सिविक्स लगा ब्यूटीफुल इज दिस बहुत मुश्किल से हम लोग को मैथन डैम मिला ये लड़का ये लड़का बहुत हम लोगों को घुमाया है एंड फाइनली वी हैव गॉट थ्रू द प्लेस नाउ वील गो फॉर बोटिंग उसके बाद वील सीक व्हाट टू डू बट आज मैथुन बहुत रुलाया अच्छा जगह तकलीफ से ही मिलता है या आई नो शिलोंग वाला ट्रिप पे बहुत एक्सपीरियंस किया था थैंक गॉड यहाँ पर खुला तो है एटलीस्ट पीछे बिट्टू भैया इज व्लॉगिंग विद प्राची सो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ओके सो हम लोग बैठ गए पानी अच्छा लग रहा है काफी गर्म है लेकिन ओके काफी अच्छा लग रहा है मजा आ रहा है डैम का गेट ना ये इतना फेमस क्यों है कुछ नहीं पानी बोटिंग के लिए सिर्फ बोटिंग के लिए अभी टूरिस्ट लोग आ रहे हैं बहुत कम ना यहाँ पिकनिक कहाँ होता है আচ্ছা দাদা পোস্ট দিচ্ছেন না হচ্ছেটা কি দাদা জল লাইন দেখাচ্ছেন কেন সর্ড এ সর্ড সর্ড সুয়ার এ সুয়ার দিজে আপ यहां पे भी पहुंच गए ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा ये झील सुनीली आंखें नो ना झील सुनीली नशीली आंखें बदमाशी शराबी आंखें झील वो आंखें वो झील वहाँ के है राज है इनमें गहरा ता ता तारीफ करूं क्या इसके जिसने तुम्हें बनाया
जोक्स अपार्ट, अभी आई विल जस्ट बिड बाय फॉर दिस व्लॉग. अभी वी विल जस्ट एन रूट धनबाद एंड आई विल जस्ट स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द फूड. I'll just start exploring the food up there. So इस vlog को यही end करता है. Hope you enjoy this video. If you do so, then जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, like, share, comment and subscribe. And yes, stay safe and happy eatings. हम मिलेंगे next vlog में. Stay tuned because I'm gonna explore a lot of delicious, must have delicious food in Dhanbad. Bye bye. Happy eatings.